हेलो गाइस, लास्ट ब्लॉग जिस जगह से एंडिंग की थी उसी जगह से एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं लास्ट ब्लॉग में बताई थी मैं फ्रेंड के घर में आई हूँ। ये शाम का टाइम है, यहाँ पे हार्दिक और हार्दिक की फ्रेंड दोनों खेल रही है और हम दोनों टीवी देख रहे हैं, तो इसी जगह से ब्लॉग की एंडिंग की थी। तो शाम का टाइम था, अभी भी ऑफिस से डायरेक्ट ही आ गए हम दोनों को ले जाने के लिए। तो अभी को यहाँ नाश्ता पानी दिया जा रहा है, वो खा रहे हैं, फिर खा पी के हम चल दिए थे घर के लिए। फिर आप लोगों से मिल रही हूँ एकदम से नेक्स्ट डे, मतलब संडे की सुबह में। स्कूल वगैरह बंद है, बाकी कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, आज संडे है, अभी भी घर में है, तो इसीलिए थोड़ा सा फेस पैक लगा रही हूँ। मैं देख सकते हो पास में ही जो मेरी सिस्टर है ना, तो वो लगा रही थी उस दिन, तो बोला कि आप भी लगा लेना, तो टाइम नहीं मिल रहा था, 2-3 दिन हो गए थे उसने बोला, बस पर आज मिल गया टाइम, संडे है तो सोचा लगा लेते हैं थोड़ा सा। वैसे भी ये सब करना होता ही नहीं है अपने लिए, बिल्कुल भी टाइम उतना मिलता नहीं है, ये करो वो करो, है ना। तो आज चलिए लगा लेते हैं। और यहाँ पे हार्दिक भी खड़ा है और मुझसे पूछ रहा है, मम्मी ये क्यों लगा रहे हो, ये लगाओगे तो क्या होगा, वो सब पूछ रहा था। और ये खेल भी रहा है क्योंकि संडे का टाइम है, संडे में ये पढ़ता भी नहीं है। मैंने मेरे मुँह से एक दिन निकल गया था कि संडे को ऑफ है, संडे को तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो उसी दिन से उस बात को इतना दिमाग में ले लिया सीरियसली, वो संडे से पढ़ता है, संडे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। तो कोई बात नहीं, एक दिन रेस्ट देना भी ज़रूरी है ना। बाकी देखिए ये तीनों यहाँ पे बैठ रहा है और बातचीत कर रही हूँ। अभी 15 मिनट के बाद मुझे फेस पैक को उतारना भी है, तो भी देना है। देख सकते हो फेस पैक सूख गया है, तो बेसिकली मैं ये जॉय का फेस पैक लगा रही हूँ। देखिए फेस मैंने धो लिया है और धोने के बाद लग भी रहा है कि थोड़ा सा साफ हुआ है, साफ हुआ है ऐसा। तो एक दिन करने से कुछ नहीं होता, मतलब रेगुलरली करते रहना चाहिए ना, तभी असर होता है। बाकी टाइम मिले तो कभी और दिन कर लेंगे। तो खा पीने के बाद शाम को हार्दिक के कराटे सॉरी आर्ट क्लासेस रहता है ना संडे को, तो वहाँ चली गई थी मैं। ये देखिए हार्दिक को क्लास में ड्रॉप करके मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ, रोज़ जहाँ बैठती हूँ वहाँ पे बैठ गई हूँ। और देखिए ये हूँ मैं, मतलब शाम को हर दिन निकल के आना ही होता है, सिर्फ फ्राइडे को नहीं आना होता है, बाकी डेज में फ्राइडे को निकल के आती हूँ। मतलब कराटे क्लासेस रहते हैं, आर्ट क्लासेस रहते हैं, सभी कुछ रहते हैं ना, तो इसीलिए हाँ पक्के से आना पड़ता है। फिर हम कराटे क्लास और आर्ट क्लासेस ख़त्म हो गए और यहाँ पे प्लेग्राउंड में थोड़ा बहुत बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे स्लाइड और झूले वगैरह है, जिसको जो भी मन करे बैठ के खेलता है। और ये हार्दिक देखिए इसको बाइक बना के खेल रहा है मन से एकदम मज़े से, तो थोड़ा बहुत खेलने देते हैं। आर्ट क्लासेस ख़त्म हो गए तो हबी को बुलाया है मैंने हम दोनों को लेने के लिए, तो हबी हम दोनों को ले कर पास ही में जो हमारा बड़ा सा प्लेग्राउंड रहता है ना हजारा, हाँ पुरी के पार में जो प्लेग्राउंड है हजारा फील्ड बोलते हैं, तो वहाँ पे आ गए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम का टाइम है, गर्मी का सीजन भी है, तो अच्छा लगता है ऐसे टाइम में। वैसे शाम को और किसी दिन टाइम नहीं मिलता है, वैसे ठंड के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है टाइम, क्योंकि सर्दी के टाइम में 4-6 बजे अंधेरा हो जाता है। बट गर्मियों में ये अच्छा है कि 6 या 7:30 तक आप बाहर में आराम से घूम सकते हो, हवा वगैरह खा सकते हो ना, इतनी जल्दी अंधेरा होता नहीं है। तो इसलिए हम घूमने चले आए थे और हार्दिक दौड़ के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे देख सकते हो। और इतना बड़ा ये एरिया है ना, तो दो पॉन्ड को दो तालाब के बीच में एक रोड बना दिया है, वहाँ पे भी मज़ा आता है। देख सकते हो सूरज ढलने वाला है, नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे अभी को मैंने बोला थोड़ा सा मैं भी तो आना चाहती हूँ ना कैमरा में थोड़ा सा, तो मैं भी मुझे भी थोड़ा सा शूट कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा रील बनाए, थोड़ा सा स्टेटस के लिए कुछ वीडियो रखा। और हार्दिक यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा है। शाम को अगर हर दिन यहाँ पर आना पड़े
करे तो अच्छा लगेगा, बट हर किसी के पास टाइम नहीं होता। और ये इतना अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो सूरज ढलने वाला है और इतना अच्छा वीडियो ले रहा है। तो इस टाइम में सूरज जब उगता है और सूरज जब ढलता है ना, तो नज़ारा ही कुछ और होता है ना, ब्यूटीफुल सा नज़ारा होता है। तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे चल रही हूँ, हार्दिक दौड़ रहा है अभी, बैठ के यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो देख सकते हो। फिर ये दोनों देखिए, दौड़ भाग करके एकदम से थक चुका है। और इस तालाब के उस पार भी बड़ा सा प्लेग्राउंड है, तो हज़ारा प्लेग्राउंड बोलते हैं, हज़ारा फील्ड बोलते हैं। तो ये है मैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे टाइम में निकल के आओ, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा फिरो, थोड़ा सा बैठो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ। तो मैं एक फ़ोटो क्या बोलते हैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट हुआ नहीं। फिर रात के अभी 7 बजे होंगे, अभी कुछ मिठाई वगैरह लेके आ गए थे। इस टाइम पे बहुत अच्छे समोसे वगैरह मिलते हैं, तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? अभी आप लोगों से मिल रही हूँ आमने सामने। अब ब्लॉग की एंडिंग करने जा रही हूँ। इस ब्लॉग में 2 डेज़ का क्लिप था, मतलब सैटरडे से, और संडे का भी, सैटरडे का थोड़ा बहुत था और संडे का थोड़ा बहुत था। तो सैटरडे को तो मैंने अलग से वीडियो डाल दी थी, तो उसके बाद का है सैटरडे के ब्लॉग के बाद का है क्लिप्स जितने भी है। और साथ में और संडे को मैं तो वीडियो वगैरह डालती नहीं हूँ, एक दिन ऑफ लेती हूँ ना। तो कल ऑफ था और आज मंडे है, तो कह सकते हो ये संडे का ब्लॉग है। तो आप लोगों के लिए संडे का ब्लॉग छोड़ रही हूँ। किस किस को पसंद आए देखिएगा, पसंद ना आए तब भी सपोर्ट के लिए देख लीजिएगा। बाकी अभी का टाइम है 3 बजे दिन के। हार्दिक को स्कूल से मैं लेके आ गई, क्योंकि आज मंडे था और मंडे है, हार्दिक को स्कूल से लेके। और सुबह से कोई क्लिप नहीं ली मैंने, कल के शाम के बाद से और कोई क्लिप नहीं ली, लेने का मन नहीं किया और वीडियोस बनाने का। हाँ, तो कल शाम के बाद से जितना कुछ है वीडियो में डाल रही हूँ, और आज मंडे को आप लोगों से मिल रही हूँ, थोड़े आमने सामने बात कर रही हूँ। तो गाइज, हम वीडियो को देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स वगैरह भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा। कमेंट्स देख के तो अच्छा ही लगता है। तो गाइज, चलिए वीडियो में आज के लिए इतना ही। होप कि आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और गर्मियाँ बहुत पड़ रही है, मतलब एकदम पसीने पसीने हो रही हूँ, पसीना निकल रहा है, फ़ैन चल रहा है तो उतना वो नहीं हो रहा है, बट गर्मी का टाइम आ गया है और हालत तो ख़राब होने वाली है गर्मी में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होप कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।